फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल, विश यू आर वेरी हैप्पी करवा चौथ। आई होप सब ने शॉपिंग भी कर ली होगी। मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं किया है क्योंकि मेरा जो है बेबी बहुत छोटा है, तो मुझे मार्केट में जाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से जो मैं मार्केट भी नहीं गई, थोड़ा बहुत जो पास में मार्केट था वहीं जाकर मुझे अपनी सास के लिए जो है साड़ी लानी थी, वही मैं लेकर आई हूँ। सिंगार का सामान है कि सब में है कि सास को दिया जाता है, मेरे में भी है, तो मैं अपनी सास के लिए लेकर आई हूँ। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। इस बार मुझे शॉपिंग ज़्यादा करनी भी नहीं थी, जो मेरा पड़ा हुआ है शादी के टाइम का वही मैं पहनूंगी। बाकी थोड़ा बहुत जो है मैं अपनी सास के लिए लेकर आई हूँ। और जो मेहंदी आप देखिए, मैंने ज़्यादा मेहंदी भी नहीं लगाई है अपने हाथों में। मुझे ना मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब जब त्यौहार आता है ना तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे डिज़ाइन बनाने नहीं आते हैं, मेहंदी लगानी मुझे आती है, पर यह है कि मुझे ना मतलब अब मैं खुद मतलब मुझे पसंद नहीं है मेहंदी लगाना बिल्कुल भी अपने हाथों में। तो मेरा है कि मेरे को अपनी सास के हाथों में बहुत अच्छा लगता है। अभी वो गई हैं सुनार के पास, थोड़ा उनको मतलब कुछ सोना वगैरह अपना चेंज करके कुछ लेना था, तो वो अभी गई हूँ। अभी वो आएंगी तब मैं उनकी मेहंदी लगाऊंगी। और आज और मैं आपको दिखा भी दूंगी कि क्या मैं पहनूंगी और क्या मैं अपनी सास के लिए लेकर आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई, थोड़ा बहुत ही लेकर आई हूँ, तो बस आप देख लीजिए। फ्रेंड आपको ये साड़ी दिखाई दी होगी, ये साड़ी मैंने अपनी सास के लिए ली है। ये फूल है व्रत के लिए, ये फल है, पांच तरह के फल जो है चढ़ाए जाते हैं। ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, करवा ले रखा है मैंने। ये मिठाई है, ये चूड़ा है हमारे में, जो ये चूड़ा जो है कलश में जो भरा जाता है। और ये चलनी है, माता जी की चलनी ले रखी है मैंने। पोस्टर लिया है, और यही है जो साड़ी जो मैंने अपनी सास के लिए ली है। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, इसमें बिंदी और एक सिंदूर ले रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी ज्वेलरी है, तो ये मैंने निकाला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पहनना है, क्योंकि मुझे ना अब ज़्यादा हैवी पहनने का भी कुछ मन नहीं करता, तो मैंने ये सब निकाला हुआ था। तो मैंने सोचा इसका भी मैं जो है वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें देखा कि बहुत सारे मेरे पास है आर्टिफिशियल। पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इन सब चीज़ों का, पर अब तो बिल्कुल मतलब मन नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने ये निकाला हुआ है, तो मैं ये पहनूंगी इसके साथ। ये जो मेरी ये मेरी साड़ी है, तो ये वाली जो साड़ी है, इस वाली साड़ी के साथ ये मुझे मैच करता हुआ दिख रहा था, तो मैं ये वाली जो ज्वेलरी ये पहनूंगी। और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ये हल्का ही है। ये मेरी जो है ये मेरी शादी की चुन्नी है जो आप देख रहे हैं। तो बस यही है सब जो मैं करवा चौथ में पहनूंगी। और ये चूड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, आधा दर्जन ही चूड़ी ले रखी है मैंने। और ये देख सकते हैं आप, ये कलरफुल है। जैसा कि आपने देखा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई, जो कुछ आपने देखा वही सब लेकर आई हूँ मार्केट से। तो बस यही था मेरा। और मेरा है कि मैं जो करवा चौथ का व्रत है मैं अकेले ही घर पे कर लेती हूँ बैठ के। मेरी भाभी भी रखती थी, वो भी अपने घर पे बैठ के अकेले करती है। मेरी बहन भी अकेले करती है। और मेरे यहाँ पे कि बहुत ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में करते हैं, बट यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं करता, सब लोग अपने घर में कर लेते हैं। तो मैं भी अपने घर में कर लेती हूँ पूजा। मेरी सास रहती है साथ में और बड़े हैं साथ में, तो अब किसकी क्या किसी और की क्या ज़रूरत। तो मैं और मेरी सास है बैठ जाती है। मेरी सास नहीं करती हैं करवा चौथ, वो छठ पूजा करती हैं। तो ये है कि हमेशा मतलब साथ में रहती है, तो व्रत वगैरह में हमेशा हमेशा साथ देती हैं। तो अभी जब मैं व्रत का अगला मेरा जो करवा चौथ का जितना जो मैं जैसे करती हूँ वो मैं अगला नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर बस यही था मेरा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।